तो लाइव तस्वीरें और लाइव से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से साधन से बातचीत करेंगे। महाराज जी क्या भविष्यवाणी है? देखो ऐसा है, जो भव्य की लहर है वो पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है और जो ये जो हसन हलका है और हसन हलका के अंदर जो जोर लगा है शायद ही पूरे हरियाणा में कोई से हल्के में लगा होगा। जितने बड़े से बड़े नेता आए हैं, हर एक पार्टी के आए हैं, लेकिन पूरी सरकार की, पूरे बीजेपी सरकार की, हर एक पार्टियों की नजर हसन हलके के ऊपर है। और मेरी भविष्यवाणी ये है कि ये जो फैसला एक तरफी होने जा रहा है, योगेंद्र राणा जो बीजेपी से है ये भारी मतों से जो है विजय करेंगे। आदेश आदेश। तो देख सकते हैं कि ये वायरल वीडियो पूरे हरियाणा में चला और असंध की जो सीट है वो बड़ी जो है हॉट थी, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता इस सीट पर पहुंचे। उसमें राहुल गांधी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, योगी आदित्यनाथ है, ठाकुर जी है, क्या नाम है विक्की उनका, अनुराग ठाकुर है, और मायावती जी की बात करें, अभय सिंह चौटाला की बात करें तो बड़े बड़े जो नेता है वो यहाँ पहुँचे थे। और बाबा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने ये भविष्यवाणी करी, तो उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले राम राम। हरिओम। आदेश आदेश। जय बाबा जी। तो आप सबसे सबसे पहले मैं जो असंध हलचल के जो कार्यकर्ता हैं और जो इनके डायरेक्टर हैं इनको जो है तुम्हारे YouTube के माध्यम से इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगा कि इनका चैनल जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। हाँ जी बोलिए महाराज जी। जो आपने कहा वो कर दिया, चमत्कार हो गया। मतलब असंध विधानसभा में ये था कि भाई ये शायद सीट पिछड़ जाएगी, लेकिन आपने कहा कि जीत होगी, बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से कहा, क्या राज था इसका? देखो मैंने एक बात कही थी कि कर्ता करा ना कर सके गुरु करे सब होए। करने वाला गुरु महाराज जी है और गुरु महाराज के आदेश के अनुसार ही हमने जो भविष्यवाणी की थी, क्योंकि हमें सब कुछ पहले ही पता था कि भविष्यवाणी के आधार पर जीत किसकी निश्चित है। उसके बहुत बड़े कारण थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो हमारे पहले मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, सबसे पहले जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो PM हैं, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे पंथ से हैं, नाथ पंथ से हैं, और अमित शाह जी हैं गृहमंत्री हैं, और भी जो वरिष्ठ नेता हैं, और दूसरी बात जो हमारे हल्के के जो MLA अब जो चुने गए हैं, जो निश्चित हुए हैं, श्री योगेंद्र जी राणा जी, और इन सबको मैं आपको जो है BJP की पूरे हरियाणा के अंदर जो भव्य की लहर हुई है उसके लिए आपको हार्दिक हार्दिक और दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बाबा से दुआ करता हूं कि इसी तरीके सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में चलता रहे। अब नाम भूल गया मैं आपका जी, नाम महाराज जी नाम मैं भूल गए, मेरे को काम चल लगा। अच्छा ये बताओ, एक नया जो आज हमने देखा कि 1947 करोड़, नहीं पहले मेरी बात, पहले हाँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो श्रीमान जी ऐसा है, आपने एक बात पूछी थी कि आपने जो है ये भविष्यवाणी करी थी ये स्टिक कैसे हुई, कैसे हुई? इसका बहुत बड़ा कारण क्या था? इसका सुनो, सबसे बड़ा कारण क्या था? जो हमने आंकड़े देखे गए थे हमारे भविष्यवाणी के आधार पर, आपको एक बात का पता होना चाहिए। देखो एक बात में शुरू होने से पहले एक बात बोल लूंगा कि जिस टाइम मैंने ये भविष्यवाणी की थी कुछ लोगों ने मेरे से गलत कमेंट किए थे। देखो गलत बोलना गलत लिखना अच्छी बात नहीं है। आदमी कहते हैं जो आदमी ऐसे उंगली करता है उसकी तरफ जो ये चार उंगलियां उसकी तरफ खुद जा रही है। कहते हैं मैं बुरा टोन चलाया मने ना मिलिया कोई, और अपने आप को टोन लगाया मुझसे बुरा ना कोई। जो आदमी गलत कमेंट करता है अपने अंदर झांक के बोले। रही बात अब भविष्यवाणी के ध्यान से सुने आप, और मैं चैलेंज से कहता हूँ जो मेरी भविष्यवाणी है अटल आगे भी रहेगी और होती रहेगी। मैंने इससे पहले दो भविष्यवाणी और कर रखी है आपको नहीं गया तो, एक तो मैंने जो है यूट्यूब के माध्यम से जो पाकिस्तान से वो आई थी, क्या नाम था उसका, सीमा हैदर, उसके बारे में भविष्यवाणी कर रखी है वो आने वाले टाइम में पूरी होगी। दूसरी मैंने भविष्यवाणी केदारनाथ की भी कर रखी थी वो भी पूरी होगी। रही बात इस भविष्यवाणी तुम्हारे सामने प्रमाण है कि जो पूरे हरियाणा के अंदर जो पूरे बहुमत के साथ में जो BJP आई है। अब सुनो भविष्यवाणी के आधार पर हमारे जो शरीर की जो संरचना है वो 5 तत्व से होती है, अग्नि वायु आकाश जल और थल के साथ में। और क्या होता है कि हमारे जो
महाभारत के टाइम में विद्रोह हुआ करते थे, महाभारत तो वो के बैठे बैठे सब कुछ बता देते थे वो क्या होने वाला है। तो जिस टाइम आदमी अपने तप और तपस्या में बैठता है और परमात्मा में लीन होता है, उस टाइम जो है हमारे सिर के ऊपर यहाँ अहंकार चक्कर होता है। 99% आदमी जो है अहंकार चक्कर में घूमते हैं, लेकिन जब आज्ञा चक्कर यहाँ पहुँचता है सिर के ऊपर, तो भविष्यवाणी खुल के आती है। अब सुनो क्या हुआ था, जो योगेंद्र राणा जी हैं इनकी राशि बनती है धनु राशि, और इनके जो राशि के स्वामी जो है गुरु है, कहते हैं गुरुड़े ब्रह्मा गुरुड़े विष्णु गुरुड़े देवो महेश्वर है गुरुड़े साक्षात् पार ब्रह्मा तक समय श्री गुरु नम है, जिनके ऊपर साक्षात गुरु का हाथ हो, सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी का हाथ हो, उनको कौन हराने वाला है। अब आती है सेकंड नंबर पे, जो देखो हमारे जितने भी यहाँ हमारे असंध हल्के के अंदर कैंडिडेट खड़े हुए, सब बहुत बढ़िया कैंडिडेट थे, अच्छी छवि के थे। जो हमारे शमशेर सिंह गोगी जी हैं, इतने बढ़िया नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, बोलना चालना बहुत अच्छा था। चलो पार्टी के वजह से उनकी हार हो गई, कुछ कह नहीं सकते। शमशेर सिंह गोजी जो थे हमारे MLA थे पुराने वाले, इनकी राशि बनती है कुंभ, और आपको ये पता होना चाहिए कि शनि कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़ सती चली हुई है, राहु और केतु के बीच में शनि आया है, और राहु जो है और केतु जो है काम बिगाड़ने वाले हैं। इनका सबसे बड़ा जो कारण भविष्यवाणी के आधार पर एक तो ये बना। अब आगे दूसरी बात आती है, अमनदीप पंडित जी, राम शर्मा, अभी अमनदीप जी आते हैं। अमनदीप जी जो है इतने नाइस पर्सन, आम आदमी पार्टी के थे, उनके बोलने से भी उनके मुंह से फूल झड़ता है, मैं उनकी बुराई नहीं करता बिल्कुल भी, हैव ए नाइस पर्सन, बहुत अच्छे पर्सन है वो। लेकिन क्या था, उनकी राशि मेष बन रही थी, मेष राशि के ऊपर जो है पिछले 17 साल से राहु चल रहा था, और राहु जो है पूरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला और आगे भी बर्बाद कर सकता है, इससे तन की धन की इज्जत और मान की सब चीज की बर्बादी होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा। दूसरा उसका पार्टी रहा, जो उसने पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, जिसका आज के टाइम में कोई स्कोप नहीं है, जिसके सारे नेता भ्रष्ट रहे हों उसमें कुछ नहीं हो। अब आती है तीसरा मैटर आता है जिलेराम शर्मा, पंडित जिलेराम शर्मा जी। पंडित जिलेराम शर्मा जी जो है हमारे पुराने इससे पहले दूसरे तीसरे प्लान के MLA थे। पंडित जिलेराम की शर्मा की जो है हमारे हलके के अंदर बहुत अच्छी पकड़ रही है, बहुत अच्छा वार रहा है लोगों के लिए, पूरा शहर पूरा असंध हर समाज उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन उनकी राशि बनती है मकर, और मकर वृश्चिक और कुंभ इन तीन राशि के ऊपर शनि की साढ़ सती का प्रकोप, इनके ऊपर भी जो है इनको हार का सबसे बड़ा कारण बना पाया। पहले जितनी इनकी वोटें थी उससे घटकर जो है 14,000 कुछ वोटों पे आ गई, पहले इनकी वोटें काफी अच्छी थी, इनकी भी घटके आंकड़े नीचे आ गए। अब आता है अगले, महाराज जी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, गृह प्रवेश करते हैं या कोई और काम होता है उसमें तो हम शनि महाराज का या सभी का करते हैं, मतलब जो ग्रह है वो पॉलिटिकल भी मतलब मार कर देते हैं क्या? सुनो, ग्रहों का महत्व होता है, शनि की साढ़ शक्ति, अगर ये इलेक्शन, मैं आपसे दावा करता हूं लिख के, अगर ये इलेक्शन 2025 में हुआ होता तो 120% या तो गोगी बनता या जिलेराम पंडित जी बनते, क्योंकि उतरती हुई शनि की साढ़ शक्ति राजयोग देखी भी जा रही थी। ये आपको मैं भविष्यवाणी के दरबार, पंडित जिलेराम जी सुन रहे होंगे वो आप पत्रा खोल के देख सकते हैं, शनि की जो साढ़ शक्ति है वो राजयोग देके भी जा रही थी। तो इससे ग्रहों का हर आदमी के ऊपर बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है और बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन कई के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ गया, क्योंकि योगेंद्र राणा जी के ऊपर जो है बहुत अच्छा गुरु का प्रभाव, उसकी राशि में गुरु बैठ गए थे और गुरु ने अच्छा मार्गदर्शन करा, अच्छा गाइड करा, गुरु गोरखनाथ जी का उनके ऊपर हाथ आया, भोले बाबा का उनके ऊपर जो है हाथ आया, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छी जीत मिली। रही बात करते हैं नरेंद्र राणा, उनके जो बेटे थे क्या नाम उनका, गोपाल राणा जी, उनकी राशि भी कुंभ बनती है। तो सबसे बड़ी जो हार जीत का आंकड़े बने हैं ये राशियों के आधार पर बहुत ज़्यादा बने हैं, वो सब कुछ देखकर भविष्यवाणी देखकर मैंने सोच समझकर भविष्यवाणी अटल की थी कि ये 99% जो है BJP जो है पूरे हरियाणा के अंदर जो है प्रचंड लहराएगी। अभी 1947 करोड़ की एक राशि मिली है हरियाणा को, और उसको किस तरीके से देखते हैं? श्रीमान जी ऐसा है, 15 अगस्त 1947 ज्ञात होगा, 15 अगस्त 1947 को हमारे हिंदुस्तान को जो है आज़ादी मिली थी ना,
और उस समय जो है सबसे पहली पार्टी कौन सी थी, सबसे पहली पार्टी थी कांग्रेस। और कम से कम जो है कांग्रेस ने उसके बाद 40 से 45 साल राज करा हिंदुस्तान पे। देखो लोग भोले थे, लोग सीधे थे, लोगों को कुछ पता नहीं था। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज का जो टाइम मोबाइल का है, आज का टाइम जो है इलेक्ट्रिक मीडिया का है, आज का टाइम जो है हर बच्चे बच्चे हर छोटे से बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, हर बच्चे को पता है कि भाई इस संसार में इस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन नेता कितना काम कर रहा है, कितना हमारे इलाके का निर्माण हो रहा है, कितना हमारा जो इलाका तरक्की कर रहा है। ये 1947 करोड़ रुपए जो हमारे हरियाणा को मिले हैं, इसके लिए मैं हमारे हरियाणा वासी और हमारे जो जितने भी हमारे नेता हैं, जो हमारे हरियाणा हलके के जितने भी हमारे जो जन जो सुन रहे हैं, उनके लिए बधाई का पात्र है कि हमारा हरियाणा बहुत बढ़िया तरक्की के रास्ते में चलने वाला है। अब 1947 की आज़ादी भी मिल गई और अब 1947 करोड़ अब हमारे हरियाणा निर्माण। आज़ादी हरियाणा को किससे मिली आप, मतलब आपका कहने का मतलब बताओ ना। कहने का मतलब ये है कि भैया खाने चाटने वाली पार्टी तो जा चुकी है, अब आ गया है समय निर्माण का। बीजेपी वो पार्टी है ना तो खाती है ना खान देती है, मतलब दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। यार ये बताओ बात में, इस हलके के अंदर या अपने हिंदुस्तान के अंदर हमें पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब उन लोगों से है जो हमारे यहाँ का काम कर सके, हमारे हलके को, हमारे जिले को, हमारे हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते में ले जा सके। और अगली भविष्यवाणी और भी सुनो, दो इलेक्शन और होने जा रहे हैं, एक तो वहाँ का झारखंड का कहा होगा इलेक्शन अभी, और एक इलेक्शन और होने जा रहा है, और वहां भी बीजेपी अच्छा बहुमत लेके आएगी। अगली भविष्यवाणी आपको मैं और बता रहा हूं ये वाली, क्योंकि जो है सत्ता चलाई जाती है असंध जिला बनेगा। और देखो मैंने पहले भी जो है माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करी है, योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करी है, मिले थे उनसे नहीं, वहां हम मठ में मिले थे। और जो है हमारे जो यहाँ के विधायक हैं योगेंद्र राणा जी, और इनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, श्रीमान जी जो यहाँ के लोगों ने आप आंख मीच कर विश्वास किया है और आपको सत्ता में लाए हैं, तो इनकी जो है विश्वास के ऊपर आप खड़े उतरना और शहर को आने वाले 5 साल में ऐसा दिखाना ताकि दोबारा इलेक्शन करने की जरूरत ना पड़े और घर बैठे आपको नहीं मिले। आप इसमें भविष्यवाणी की बात आ गई, आप 2029 की भविष्यवाणी आज ही कर दो। हाँ ये हो सकता है, 2029 की भविष्यवाणी सुनो आप, दो ये लिख लेना आज डेट लिख लेना जो मेरे बातें सुन रहे हैं, 2029 के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं, है ना, 90 सीटें, 90 में से 84 सीटें बीजेपी के हाथ में होगी। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं फैन नहीं हूं, ये मत सोचना कि मैं फैन नहीं हूं, क्योंकि कारण ये है, और असंध का जिला निश्चित है। कौन बढ़ेगा? देखो ऐसा है, जो कार्य करेगा टिकट उसी को मिलनी है, 100 बातों की बात ये है। और हमारे हलके के अंदर भाई कोई भी हलके के अंदर आप बिना काम रिपीट नहीं है। आप रिपीट करना चाहते हैं योगेंद्र राणा रिपीट करेंगे? हाँ, ये चाहे तो किसी को अपनी मर्जी से किसी को मौका दे सकते हैं, रिपीट करेंगे योगेंद्र राणा को मौका दे सकते हैं भाई दूसरे को बनने के लिए। लेकिन इनका महाराज ही कोई विधायक है उसको टिकट मिलेगा वो दूसरे को देंगे? नहीं, देखो ऐसा है, हो जाता है कई बार, वो जरूरी नहीं है। यदि इनको मिलता है तो? हाँ, इनको मिलता है तो 99% जीत हासिल होगी। हाँ, और अच्छा लो एक भविष्यवाणी और कर दो, अब ये बता दो क्या कैबिनेट मंत्री बनेंगे? हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात, अरे जिनकी राशि के ऊपर गुरु बैठा हो, जिनकी राशि के ऊपर गुरु बैठा हो उसके लिए कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ी चीज थोड़ा ना है। अगर थोड़ा सा प्रयास करे, थोड़ा सब कुछ करे, तो 120% जो है ये कैबिनेट के मंत्री बनेंगे, ये भी बता रहा हूं। लेकिन एक बात कहूंगा योगेंद्र राणा जी से, योगेंद्र भी मैंने जो है आश्रम पे तपस्या की है गुरु गोरखनाथ जी की, तो जो है मैं कहूंगा कि एक बार माथा टेकने के लिए
छोटा सा आश्रम है, बाबा की गद्दी पर मत्था टेकने जरूर आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। देखो मैंने तपस्या की है, तन मन धन से हर तरीके तपस्या करी है, और जिस गुरु गोरख नाथ जी के आदेश से आप मंत्री बने हो तो आप वहां एक बार मत्था टेक के आगे बोले। महाराज जी यदि आप किया भविष्यवाणी सच्ची होगी ना तो एक नहीं है पर तो सभी आएंगे वहां। देखो एक बार मैं वो बोलना चाहूंगा आपके यूट्यूब के माध्यम से, आपके हलचल चैनल से, कि श्रीमान जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है गलत कमेंट ना करें। हाँ जिसको अपने बारे में पूछना है ये मेरा खुला चैलेंज है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर उसकी 100 साल तक ना बता दूं तो नाथ का चिल्लन ये काट के ना वहां रह देना जहां पे ना रखे हैं। 100 साल तक की ना बता दूं कहीं भी कोई भी थर्ड पर्सन आ सकता है मेरे पास पूछने के लिए। और एक बार नोट का मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो आप, 9670111600 ये मेरा नंबर है। और जो है असंध कस्तूर सिंह कॉलोनी नियर बस स्टैंड गुरु गोरखनाथ सेवा सदन के नाम से मेरा आश्रम है। देखो हम संसार की भलाई के लिए बैठे हैं, हम किसी के लिए गलत के लिए नहीं बैठे। जो ऊपर वाला भविष्यवाणी देगा वो हमारा बोलना हक है। आदेश आदेश जी बस। तो भाई महाराज जी ने इस समय जो एक नई भविष्यवाणी कर दी 2029 की भी, तो अब देखते हैं कि क्या रहता है। ये वीडियो जो है सेव करनी होगी और इसके लिए बड़ा जो है एक चैलेंज भी है कि किस तरीके से महाराज जी ने पहले भविष्यवाणी करी थी और अब भी जो है वो कर दी है। आपकी राय आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप जरूर करें। बने रहे असंदल चल हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।